लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के साथ मिलकर भाजपा को परास्त करने के लिए तैयारियों की शुरुआत कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अखिलेश यादव 16 सितंबर को लोकसभा का प्रचार करने के लिए विशाल साइकिल यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों में अखिलेश की इस यात्रा को लेकर कोहराम मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर, फूलपुर, कैराना व नूरपुर जैसी ही जीत 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतना चाहते हैं। बसपा राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, तो अखिलेश यादव अब लोकसभा चुनाव पर नज़र बनाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत अखिलेश अपनी पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज से करेंगे। अखिलेश यादव अपने प्रचार का आगाज 50 किलोमीटर की साइकिल यात्रा से करेंगे। खजांची का परिवार अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाएगा। अखिलेश यादव की इस यात्रा का संदेश हक और सम्मान सबके लिए है। इस खबर की जानकारी सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने दी है। न्यूज़ टाइम्स से राघवेंद्र चौरसिया की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।